जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 2020 के इस 3D ट्यूटोरियल में आज हम आपको ये ऑब्जेक्ट बना के दिखाएंगे कि 3D में ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा और उसको हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले समझते हैं। तो इसको हम कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें एक बेस दिख रहा है, ये बेस अलग है, ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है। ठीक है, तो पहले हम ये पार्ट बनाएंगे, ये पोर्शन बनाएंगे नीचे वाला बेस, फिर ये बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे और उसको मूव करा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर बेस बनाना है हमें, तो हम ये फ्रंट व्यू देखेंगे, तो हमको ये डायमेंशन 12 है, फिर ये 12 है, 12 हाइट है, फिर ये देखिए टोटल 100 है, ये 12, ये 12, 24 माइनस मतलब 76, तो ये 76 होगा, फिर ये 12, फिर ये 12, ये 12, ये अंदर की लेंथ 52 है, टोटल 100 है, तो ये 24 और 24 आ जाएगा, और अंदर की जो हाइट है इनसाइड की ये 10 है। ठीक है, चलिए पहले एक फ्रंट व्यू बनाते हैं। नई शीट ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रंट व्यू ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम फ्रंट बनाने जा रहे हैं। लाइन कमांड लेते हैं, सबसे पहले 12, फिर 12, 12, ये हमें 76 जाना था, 76, फिर इधर 12, इधर भी 12 आ गया। जो भी डायमेंशन दी है हम एज इट इज़ बना देंगे। ये 24 है नीचे वाली, 24, अंदर की हाइट 10 है, 10 ले लेते हैं, ये 52, फिर ये 10 और ये 24, ये हम इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर लेते हैं। अब इसको हम प्रेस पुल करा देते हैं, प्रेस पुल कमांड लिया, इसकी जो एक्सट्रूजन हाइट है वो 160 है, 160 लेके हमने इसको करा दिया। ठीक है, तो देखिए हमारा बेस तैयार हो गया। मैं इसको सेडेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये देखिए। ठीक है, अब मैं ये ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, ये डिज़ाइन देखिए, ये बेस हमारा तैयार है। अब हम ये पोर्शन बनाएंगे। ठीक, तो ये पोर्शन देखिए, ये यहाँ से नीचे से 42 है, 12 हम ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस 30 मिलेगी और ये 60 है, क्योंकि रेडियस 30 है, तो ये 60 होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम मूव करा लेते हैं। ठीक है, और अब जहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारा 30 है, फिर 60, फिर 30 और ये फिर 60। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आर्क लेते हैं, स्टार्ट, आर्क लिया, स्टार्ट, एक मिनट, इसको हम राइट पे ले लेते हैं पहले, क्योंकि हम राइट पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट पे ले लेते हैं हम। ठीक है, और अब हम बनाते हैं 30, सिक्सटी, फिर यहाँ से आर्क लेते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंड, उसके बाद यहाँ पे बीच में 15 रेडियस का सर्किल बनाना है हमको, हमने 100 सर्किल ले लिया, इसको हमने कर दिया डिलीट। ठीक, और इसको हम प्रेस पुल करा देते हैं, कितना 76। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको हम मूव करा देते हैं। कहाँ मूव कराएंगे, इसको हम ये पॉइंट पिक करेंगे और यहाँ पे इसको मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिया मूव कमांड, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, बेस पॉइंट यहाँ पे लिया, अर्थ मोड ऑफ कर लेते हैं और इसको हमने यहाँ पे आके मूव करा दिया। देखिए ये हमारा वहाँ पे आके मूव हो गया। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको डिलीट करता हूँ मैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो इस पोर्शन बनाने के लिए इसकी थिकनेस कितनी है, 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 100 की लाइन लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसके टेंजेंट से हम इसको मिला देते हैं, टेंजेंट से मिल गया। ठीक है, और
हमारा ये पोर्शन तैयार है, देखते हैं प्रेस पुल करा के। ठीक है, प्रेस पुल हो रहा है, 12 हेड तक प्रेस पुल कराना इसको हमने, तो 12 देख हमने इसको प्रेस पुल करा दिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके इसको मूव कराएंगे इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, इसका बेस पॉइंट दे देंगे इसका मिड पॉइंट। तो चलिए मूव कमांड लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, एंटर करते हैं और इसका बेस पॉइंट मिड पे देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया। ठीक है, अब हमें इसको कहाँ मूव कराना है, इसको हमें मूव कराना है इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं थोड़ा, इसका मिड पॉइंट देखते हैं, ये है मिड पॉइंट और यहाँ पे हमने इसको जाके मूव करा दिया। ठीक है, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब हमने इसको तीन पोर्शन में बनाया है, ये हमने बेस अलग बनाया, ये अलग बनाया और ये अलग बनाया। ठीक है, अब इसको हम यूनियन करा देते हैं, यूनियन कमांड लिया हमने, सेलेक्ट किया, एंटर किया और देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, तो जब भी आप 3D पे काम करते हैं, ऑटो कैड में जब भी आप 3D पे काम करेंगे, तो पहले सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको हम अलग अलग भाग में बांट लेते हैं, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस देखते हैं जो हमें इजी लगता है, जहाँ से हम उसको इजीली बना सकते हैं, उनको हम बनाते हैं और फिर जाके उसको हम मूव कराते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे अगर राइट लेते, या हम यहाँ से इसके फेस को यूसीएस देते और यहाँ डायरेक्ट भी हम यहाँ पे बना सकते थे, बट मैंने इसको अलग अलग पोर्शन बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम अलग अलग बना के कैसे इसको मूव करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।